इमरान जी, आप राष्ट्रपति से सम्मानित हैं। कृपया इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले के सभी सदस्यों को मेरा सादर सेवा जोहार। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं मुनवाना संभाग विकास में मैं ग्राम पंचायत सारबहरा के सरपंच के पद पर हूँ, जो कि आपके बिलासपुर जिला समाज और बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनको मैं सोशल नेटवर्किंग साइट से जान रही हूँ, पर मुलाकात जो है हमारी यहाँ पर पहली बार हुई। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि आज का हमारा तो एक इसमें हमारा आए हैं जो आमंत्रित सदस्य आए हैं, उन्होंने अपने विचार रखे, उनके विचारों को सुनकर आप उनसे और क्या चीज़ें जानना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी कौन सी बात रखना चाह रहे हैं। कि क्योंकि एक हम लोग का एक जो विज़न होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हम लोग के जल जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही है बस्तर में, आपने देखा होगा चल रहा है, तो उसके साथ साथ हम किस तरह से एक अच्छा समाज गठित कर सकते हैं। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति है और जो चरित्रवान व्यक्ति है वही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसा मानते हैं आप? मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैं मुझे ऐसे भाषण देना नहीं आता, मैं अपनी बातों कैसे रखती हूँ, मतलब बीच में आप लोगों से मैं कुछ पूछूंगी 10 मिनट के दौरान मुझे टाइम मिला है, तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या विचार रखते हैं इस बारे में, मैं अपना भी विचार रखूँगी। तो सबसे पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आए, जब मैं सरपंच बनी, तो जिस तरह से हम लोगों को हमेशा से कहा जाता रहा है कि एक अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में हम लोग को जो अलग रख कर देखा जाता है, और ऐसी क्या मजबूरी हमारी कि हम एक आर्थिक स्थिति ना तो हमारी सुधार हो पा रही है, ना सामाजिक स्तर पर, ना धार्मिक स्तर पर। एक जो चेतना आनी चाहिए वो चेतना कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो आज के जो युवाओं से एक नई सोच उत्पन्न होती है, और जो आप जो नए युवा लोग हैं आगे आने वाली पीढ़ी से जो है अच्छी शिक्षा आप लोग ही देंगे, अच्छी बातें आप लोग ही सिखाएंगे। तो दीदी की बात है कि हम लोग का एक लक्ष्य निर्धारित है, क्योंकि तभी नेक्स्ट ईयर जो भी कन्वेंशन होगा और आने वाले साल में जितने भी कन्वेंशन, उसी तरह से हम लोग का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और हम लोग उसी पे काम करें। और यहाँ पर जैसे काफ़ी मातृशक्तियों की संख्या नज़र आ रही थी, और ये देखकर अच्छा भी लगा कि आज के इस दौर में जहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारे गाँव में भी यही होता है, यही समस्या आती है कि जब आप बाहर जाने का नाम लेते हैं तो बात ये आती है कि हम लड़कियों को कैसे मिले। लेकिन आज जो हमारे बुजुर्ग हैं हमको तो यही सिखा रहे हैं लड़के और लड़की में भेदभाव करना नहीं सिखा रहे, तो किस तरह से हम कदम से कदम मिलाकर साथ चलें। और जो मुनवाना राज्य के साथ सबसे बड़ी बात है कि जब हर व्यक्ति अपने राज्य की मांग कर रहा है तो हम भी अपना एक गुणवाना राज्य की मांग करें और गुणवाना राज्य बनाने के लिए प्रयास करें। गुणवाना बस मुझे नहीं लगता GSU के जितने भी सदस्य हैं उनको परिभाषित करने की ज़रूरत है, और गुणवाना का विचार प्रकृतिवादी रहा है कि मैं दादा हिरासी मरकाम जी के उनके मार्गदर्शन पर भी काम करती हूँ, और उन्होंने यही सिखाया मुझे कि जो गुणवाना की जो विचार था वो प्रकृतिवादी था, और जिस तरह से सूर्य का काम जारी है वो प्रकाश हर किसी को बराबर मात्रा में, तो उसी तरह से गुणवाना की विचारधारा भी इसी तरह से होनी चाहिए। सबको शिक्षा सबको काम, आप सबने सुना होगा और उसने भी आप लोगों के सामने जो भी एसी के सदस्य थे आमंत्रित सदस्य थे उनकी बातें आप सबने सुनी होंगी। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि जब तक हम लोग एक साफ सुथरा समाज गठित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। और इसी बात के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपका नाम मरावी, आपका मनु मरावी, मनु मरावी उनका काफ़ी पोस्ट देखा हुआ मैंने फेसबुक पे, तो और बाकी हम लोग ऐसे बच्चों को जब वो सामने आते हैं तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि चलिए एक प्रयास जो है, एक युवा एक बच्ची आई थी कामनी संजय जी के पास कि उन्होंने कहा कि मैम गलती हो गई, मैंने आपको वहाँ पे बैठने के लिए कहा, आप आमंत्रित सदस्य हैं, आपको मुझे वहाँ बैठाना चाहिए था। तो यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जितने भी सिपाही हैं सबको पता है कि हम लोग बैठ के पेड़ के नीचे भी बैठ कर सकते हैं, तो कोई नहीं है क्योंकि बड़ी बात नहीं है, बच्ची अच्छा होनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जिसमें हम लोग ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आगे जाने के बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम आगे के लिए क्या करें। और रही बात, एक बात हम लोग को भी ये भी समझनी चाहिए, हमारे पास हमारी अपनी ज़मीन नहीं है, तो हम कहीं भी जगह जगह हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है। तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम लोग को विस्थापन के बाद अलग जगह दे भी दिया जाएगा, तो जो एक हमारा जो जीवन यापन करने की जो शैली है, जो हमने शुरुआत से जैसे प्रयास किया था आगे उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो हमें आगे आगे धकेल कर उसी जगह पर पहुंचा दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप युवा पीढ़ियों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से, क्योंकि जब हम लोग अपने से बड़े बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करते हैं इस विषय पर, तो ज़्यादातर लोगों को ये सुनने को मिलता है कि आप लोगों का अनुभव उतना नहीं, आप लोग को अभी और अनुभव की ज़रूरत है। तो हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में जब आप आपके पास मान लीजिए घर में चार भाई हैं, उन भाई बंटवारों में मिट्टी के लिए दो गज जमीन की बात, जिसमें हम लोग को उस मिट्टी का भी महत्व समझना है और उस जंगल जमीन की रक्षा भी करनी है। जिस तरह से बस्तर के आंदोलन में व्यक्ति बहुत सारे जो आंदोलनकारी शामिल हुए, आप में से हैं जो बस्तर में शामिल हुए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो हम सभी शामिल थे उसमें, और प्रत्यक्ष रूप से जो भी शामिल थे इस कार्यक्रम में, मैं उनकी सराहना करती हूँ। और बहुत ही भाग्यशाली थे वो लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिस तरह से उन्होंने अपने महत्व को बताने की कोशिश की कि हम जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, जिसमें शांत रहते हैं, दिखाई देते हैं, उतने ही कि अपनी बात कुछ जोर तरीके से वहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं GSU के जितने भी सदस्य हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं यहाँ पर आकर आपके विचारों को जानूँ, आपके विचारों को सुनूँ, पहले कि GSU ने कैसे शुरुआत की, उनका उद्देश्य क्या था, आगे उन्होंने क्या विजन तैयार किया है। और निश्चित रूप से एक युवाओं के साथ चलने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, हम एक बेहतर समाज और बेहतर भविष्य का निर्माण आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कुछ पूछना चाहती हूँ, तो अगर अनुमति हो तो आप सभी से आइए। मेरा जो दस मिनट के बारे में, आप काफ़ी सक्रिय लगती हैं, क्योंकि मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको देखा है, आपने कई चीज़ें शेयर की हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप एक GSU के बारे में ज़्यादा निशन लाइन में अपना विचार रखें कि आप इस GSU जो कन्वेंशन है उसमें शामिल होकर आपने क्या सीखा, या आप क्या और अपेक्षा करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग तो मैं जैसे GSU में आई, मैं पहली लड़की थी वहाँ बस्तर की, तो GSU में काम की, मेरे को लगा कि GSU ही एक ऐसा यूनियन है जिसे लड़कियों का विकसित, लड़की विकास कर सकते हैं, और GSU एक ऐसा मंच है जिसमें लड़के लड़कियां जैसे स्टूडेंट उभर सकते हैं और आगे तरक्की हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। हम सामने मंच पर खड़े होते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि अपनी बातें बहुत आसानी से कही जा सकती हैं, और आप लोग के सामने ऐसे खड़े होकर मुझे भी ये सोचना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को ऐसी कौन सी बातें कहूँ, कौन सी बातें जाने की कोशिश करूँ आप सबसे। तो सबसे अच्छी बात यही मनु ने कि जैसे शिक्षा का स्तर हो गया, तो आप लोग GSU का एक जो विज़न है, जो एक क्लियर विज़न है, तो वो तो है ही साफ, पर सबसे मुझे लगता है कि जो हम लोग का प्रयास हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के रूप में कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के रूप में कर रहे हैं, आध्यात्मिक संगठन के रूप में कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कि हम किसी भी तरह से जो मूल निवासी समाज है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्र में संपन्न, और सभी क्षेत्र में एक चेतना आनी चाहिए कि जैसे सामाजिक क्षेत्र में हो गया, आर्थिक रूप से हम कैसे स्वतंत्र हैं। लेकिन आजकल के युवाओं में आप सबने देखा है, आप सबसे जागरूक युवा के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, परंतु मैं बहुत से गांव गई हूँ जहाँ पे मैंने स्थिति देखी है कि जो आज के जो युवा हैं, खासतौर पे जो लड़के हैं, वहाँ पर नशे में कहीं ना कहीं विलुप्त रहते हैं, और जो समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, समाज ने जो हमें दिया है, हम समाज को कैसे वापस, उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे।
तो हम ऐसा कैसे उम्मीद करें कि यदि आज की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चल रही है तो आने वाले समय में वो अपने आने वाली पीढ़ी को मतलब किस तरह से शिक्षा और किस तरह से ज्ञान दे। आप सब ने इस विषय पर विचार किया होगा। मैं आप सबसे पूछ रही, मैं आप सबसे बात कर रही, आप सब ने इस विषय पर विचार किया है कभी कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो नशे में इस तरह से विलुप्त हो रहे हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को कौन सी शिक्षा और कौन सा ज्ञान दे। आपने विचार किया है इस विषय पर, आप बताइए। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस आप लोग की तरह बस ये है कि एक पद मैंने संभाला हुआ है और उस पद की जिम्मेदारी के चलते आप GSU से संपर्क हुआ मेरा और आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो ये जो हम लोग के समाज की जो एक बुराई है, मैं समाज को लेकर ये नहीं कहूँगी कि एक पर्टिकुलर मैं किसी एक समाज को लेकर बात नहीं कर रही, मैं पूरे मानव समाज की बात कर रही हूँ। जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं वहाँ पे गलत चीज़ें हम लोग को बोलनी पड़ती है, वहाँ पर आगे आना पड़ता है। और हम लोग जैसे पहले ही कार्यक्रम में ये तय है कि हम राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं करेंगे और राजनीतिक विषय पर मैं चर्चा नहीं भी करूँगी, परंतु एक जो मूल्यवान समाज की हमेशा से जो कमी रही है, जिसको हमेशा लोगों ने टारगेट किया है, उसको आगे लेकर आने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग असफल हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, वो धार्मिक क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र की बात, तो जहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में हम अपनी भागीदारी दे रहे हैं कहीं ना कहीं उतने सक्रिय हम लोग को राजनीतिक क्षेत्र में भी होना पड़ता है। परंतु JSU का एक उनके कार्यक्रम का ये रहा है कि आप राजनीतिक चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते, उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन जितने भी संगठन हैं, हम सबका उद्देश्य यही है कि जो हम लोग का मूल निवासी समाज है वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, शिक्षित बने और फिर एक बेहतर दिशा में एक अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भाषा संस्कृति सुरक्षित कर सके। क्योंकि आने वाले समय में ये होगा, मैं अपनी कहीं बाहर की बात नहीं करूँगी, बस्तर क्षेत्र में तो वहाँ पे लोग अपनी संस्कृति को सहेज कर रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा बिलासपुर देखा जाए, हम लोग का जो गांव है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें लोग उसको भूलते जा रहे हैं, अपनी जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। और भूलते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हम लोग के पहले के पूर्वज रहे हैं, हमारे जो पुरखा लोग रहे हैं, उन्होंने इस विषय पर हम लोग को कभी सिखाया नहीं, कभी बताया, तो इस विषय का हम लोग आरोप भी नहीं लगा सकते अपने आने वाली पीढ़ी पर कि आपने भाषा संस्कृति को सहेज कर क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हमको उसको सुरक्षित रखना पड़े। क्योंकि जब तक हम सुरक्षित उसको नहीं रखेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को कब तक सहेज कर ले सकते, तो इस बात हो गई और अन्य चीज़ें जो हो गई उनके संबंध में उतनी जानकारी उनको होगी भाषा संस्कृति से, वो क्योंकि उनका जुड़ाव बहुत गहरे तक है और जो एक हमारा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों से दूर होता है। तो हम लोगों की एक बहुत अच्छी मुहिम है ये JSU के माध्यम से कि हम सब अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और उन चीज़ों को जानने का मौका मिल रहा है, उन चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि JSU के जितने भी सदस्य हैं, वो फिर लड़के हों लड़कियाँ हों, उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप एक दूसरे के संपर्क में बने, तो एक तरफ से ये भी होनी चाहिए कि आने वाले समय में हम सिर्फ कन्वेंशन में भागीदारी लेकर वापस अगले साल के इंतजार ना करें, कुछ नई चीज़ें सीखें, यहाँ से सीख कर जाएँ और किस तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा और बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर सकते हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग यदि पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने कहा पहले ही कि मैं ऐसे आपस में बात करने से ज़्यादा भरोसा करती है और इस चीज़ का श्रेय मैं दादा मरकाम जी को देना चाहूँगी, जो कि दुर्गाना विकास क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और उनसे एक विचारधारा पैदा हुई थी कि आप समाज के कर्जदार हैं और समाज के लिए आपको इस कर्ज का भुगतान आपको करना पड़ेगा और ये जो कर्ज है समाज के लोगों का, उसी कर्ज को उतारने का प्रयास मैं कर रही हूँ। दादा ने एक बात कही थी मुझसे कि क्योंकि चुनाव से पहले मैं सिविल सर्विस की तैयारी करती थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि यदि आप सिविल सर्विस पर जाते हैं तो आप किस उद्देश्य से जाएंगे। मैंने यही कहा था कि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं समाज के लिए काम करूँ, सामाजिक क्षेत्र के लिए काम करूँ। तो दादा ने यही कहा कि आपको क्या लगता है कि आप नौकरी करते हैं समाज की सेवा करते हैं, तो
समय तो बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि हाँ नौकरी करना बहुत जरूरी। दादा ने वो बात मुझे समझाई कि आप तो सिर्फ पालने में समाज हैं, आपके माँ बाप का नहीं, समाज का भी उतना ही मतलब भागीदारी है, इसलिए एक आप कर्जदार के रूप में हैं, तो इस कर्ज को आप किस तरह से चुकाएंगे और किस तरह से आप अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर समाज सेवा के क्षेत्र से मैं जुड़ी हुई हूँ और इसी उद्देश्य के लिए काम करती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि यदि आप मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से और बता पाऊँगी, क्योंकि राजनीतिक विषय की चर्चा मैं नहीं कर सकती और खतरा है 4-5 साल का, तो वो मेरा अनुभव जो है राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर सामाजिक क्षेत्र में चर्चा करने के लिए